रहा है मैडम। तेरा मार लेने दे जल्दी। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू आप। इस तरह करते हो ना, इस तरह तो मुझे हंसी आ जाती है। आज घर पे खाना वगैरह इसने नहीं बनाया क्योंकि बहुत जबरदस्त। क्या बात, शुक्रिया मैं जानता हूँ। हाँ जी, आपको क्या मसला है? मुझे कोई मसला नहीं है, मैंने चावल लिए हैं बाजी कमल के लिए। ये कुछ गिफ्ट आए हुए हैं जी, और भी काफी सारे गिफ्ट पड़े हैं। माशाल्लाह जी, बहुत प्यारी लग रही हैं सब आप। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि हमारे तमाम बहन भाई देखने वाले खैर अफिया से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं जी। और इस वक्त जी हम पहुंच चुके हैं जहाँ पे बच्चे जो है ना क्रिकेट खेल रहे हैं। अल्लाह माफी, विकेट ले लिया है जी सदाब ने। मैच लगा हुआ है, दो मैच जो है ना इन्होंने जीत लिए हैं और फाइनल में पहुंच चुके हैं। आप देखते हैं जी क्या होता है। और शोर शराबा है, तूतियां शूतियां बजाई जा रही हैं। माशाल्लाह जी, ये देखे, ये हमारी टीम है, फील्डिंग पे बॉलिंग कर रहे हैं, बैटिंग कर लिया, 113 स्कोर का टारगेट दिया है। और एक मिनट चुप कर चाहे, 113 स्कोर का टारगेट दिया है 6 ओवर। अब इनकी जो है ना बॉलिंग है और बॉलिंग करवा रहे हैं, देखते हैं जी इस मैच का क्या बनता है। ये भी तकरीबन जीत लेंगे। और ये फील्डर खड़े हैं जी, हबीबुल्ला ये खड़ा है जी, माशाल्लाह। इतनी गर्मी में लेकिन इन्हें होश नहीं है, बस क्रिकेट के दीवाने हैं। ये देखें जी, ये सारे फील्डर खड़े हैं। और ये स्कूल है जी, 300 मोड़ पे हिसाम वाला स्कूल, यहाँ पे ये ग्राउंड है क्रिकेट का और क्रिकेट खेली जा रही है। बॉलिंग जो है ना खुबैब करवा रहा है। चले, अल्लाह ताला ने कामयाबी अता फरमाए, देखते हैं जी क्या बनता है, कौन ट्रॉफी लेके जाता है। मैच जीत लिया है जी, खुबैब ने खुबैब है कैप्टन का। अल्लाह माफी, शोर शराबा काट दिया है जी बच्चों ने, क्योंकि 14 अगस्त सबके मुंह में तूतियां हैं और तूतियां बजाई जा रही है। ओए बस, ओए बस। आप खुश हो के जी, सारे खिलाड़ी आपस में मिल रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं। माशाल्लाह मैच इन्होंने जीत लिया है। माशाल्लाह जी, सारे जो है ना खिलाड़ी सेलिब्रेट कर रहे हैं। अच्छा, अब ये हमें बताएं कि कितने मैच हो चुके हैं और कितने अभी बाकी हैं? ये मैच हो गए हैं। अच्छा, अभी ये सेमीफाइनल खेलेंगे, ये इस जो टीम जीतेगी फिर फाइनल में हमारे साथ खेलेगी। हाँ, फाइनल में पहुंच चुके हैं। चले माशाल्लाह, मुबारक हो जी, और ट्रॉफियां इन्होंने पहले पकड़ी हुई है। चले अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। एक मिनट शर्म करिए, और फाइनल भी आप जीत जाएं, ये हमारी दुआ है। देखते हैं जी, अल्लाह पाक खैर करे, फाइनल इनका देख के जाएंगे इंशाल्लाह ताला। चलें जी, फिर करो सेलिब्रेट। बोल्ड आउट जी, आउट हो गया, सेमीफाइनल हो रहा है जी, एक विकेट गिर गई है। माशाल्लाह जी, फाइनली मैच हो चुका है और ट्रॉफियां मिल चुकी हैं इन्हें, फाइनल भी जीत लिया, मुबारक हो जी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि स्कोर किसके ज्यादा थे और विकेटें किसने ज्यादा ली हैं? इसने खुबैब और शहबाज ने बनाया। अच्छा, इसने ज्यादा लिए हैं। कितने कितने स्कोर बनाया है इसने? 50-50 बनाया। अच्छा, पार्टनरशिप 113 की थी, यानी कि आप दोनों ने बनाए? चले माशाल्लाह। अच्छा, खुबैब जो है ना ये ऑलराउंडर है, बैटिंग भी है इसकी, बॉलिंग भी है। कमेंट आया हुआ था कि आपने इंटरव्यू लेना है और हमें जरूर बताना है कि स्कोर कितने बनाए हैं और विकेटें कितनी ली हैं।
दो विकेटें थी। अच्छा, और 50 से ऊपर था स्कोर। चले माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको आगे भी कामयाबी अता फरमाए। ट्रॉफियां मिल चुकी हैं जी, आपको भी मुबारक हो। हाँ, ये भी फाइनल में गए थे, इनको भी एक ट्रॉफी मिल गई है। चले जी, सबको मुबारक हो जी। ओए शर्म करो, ओए शर्म करो। चले जी, आप घर चलते हैं, गर्मी बहुत ज्यादा है। हाँ, ये सारे बन गए। चले जी, आप चलते हैं घर। ओए एक मिनट, ठीक है फिर चले आ जाए। शाबाश, गर्मी बहुत ज्यादा हो चुकी है। काफी लोग आए थे जी मैच देखने के लिए, और इनको हमने बिठा दिया गाड़ी के अंदर, क्योंकि गर्मी से जो है ना इनकी हालत पतली हो गई थी, पसीना से शुरू हो रहे हैं। जो बंदे इधर आते थे खिलाड़ी, उनको हम उन्हें उठा लिया है। चलें जी, अब घर पहुंचते हैं, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह ताला। हम घर पहुंच गए थे जी 2:45 पे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद करते हैं कि आप ठीक है। कौन सी वजह से आप सलाम करने थे? नहीं नहीं, ठीक है यार, ठीक है। अच्छा, मैंने समझा कि वही वीडियो सुबह वाली चल रही है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद करते हैं कि आप ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी ठीक है। जहाँ भी खुश आबाद रहे, हमें दो में याद रखे, हंसते मुस्कराते रहे, खुलते रहे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। जब आप इस तरह करते हो ना, इस तरह, तो मुझे हंसी आ जाती है। ये हवा से क्या हवा झल रहा था यार, गर्मी हो रही है। हाथ से हवा आती है। मैच अल्हम्दुलिल्लाह जीत गए थे, माशाल्लाह। फाइनल भी ले आए हैं, ट्रॉफियां भी ले आए हैं। और इधर बच्चे जो है ना, ये हमें बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं, तूतियां उठा के। ओए ओए न बजाने, तमीज पकड़ी, तमीज। आज घर पे खाना वगैरह इसने नहीं बनाया, क्योंकि आज है फंक्शन, इसलिए ये तैयार होके जो है ना आ चुकी है। मैं इधर आया नमाज अदा करने के लिए असर की। अच्छा, तो अल्लाह माफी यार। मैं क्या कह रही थी, मैं कह रही थी जो गिफ्ट आया मैंने सूट वही पहना हुआ है, और मेरे लोग चेक करवाते हैं। मतलब बहुत प्यारी लग रही है, बहुत जबरदस्त। क्या बात, शुक्रिया अम्मी जान, थैंक यू। ये मेरी अम्मी जान ने मुझे गिफ्ट किया है, तो आज ही पहना है। मैंने कहा कि आज जना पहन कर दिखाती हूँ मुझे कैसा लग रहा है। वैसे जो ना जैसे मैं माशाल्लाह बहुत प्यारा लग रहा है, बहुत प्यारा, बहुत ब्यूटीफुल। आज है फंक्शन हनीफ भाई की नवासी का, जो उसका दामाद है जो सऊदी अरब में रहता है, वो इधर ही आया हुआ है ना छुट्टी पे, तो वो फंक्शन कर रहे हैं और उन्होंने बनाए हुए हैं चावल। अभी मैंने फोन किया है, पहले फोन करता रहा नहीं भाई को, उसने उठाया नहीं, वो शायद वीडियो बना रहा था, वीडियो में मसरूफ था। तो अभी मैंने कॉल की, कोई अक्ल कीता करो गाल है, कोई अक्ल अलग काम कीता करो यार। अभी उसने बताया कि चावल बने हुए हैं, 3 देगे बनी हुई है और 3 देगे बाकी बन रही है। तो मैंने कहा मैं तो चावल नहीं खाता, फिर हम कहीं पे चलते हैं होटल पे, वहाँ से जो है ना रोटी खा आते हैं, फिर जो है ना थोड़े बहुत अगर किस्मत में होंगे तो हम खा लेंगे चावल। यार तू, मैं एक मट्ठा थी ना, तू पिस्ते थी ना, मैं अम्मा जी, तो इसलिए मैं। अच्छा, अल्लाह माफी दे दे भाई, जो है ना वो व्लॉग बना रहे हैं, ये देखें जी। हाँ, ये दोनों अपना व्लॉग शूट कर रहे हैं, और फिर हम चलते हैं जी, रोटी पहले खाते हैं, आप खाएं चावल। इसने रोटी नहीं बनाई, इसने कहा आज फंक्शन पे जाना है, आज वहीं पे सारा इंतजाम किया हुआ है। वैसे मुझे पता नहीं था कि ये बिरयानी बनी हुई है, अगर मुझे पता होता तो मैं रोटी बना लेती। अच्छा यार, कोई गाल कह नहीं, कोई मसला कह नहीं, ये तो आज बना गिनसों, खा गिनसों होटल पर। हॉर्न बजाया जा रहा है। चलें जी, अल्लाह पाक खैर करे, आप चावल खाएं, हम होटल पे चलते हैं, रोटी खाते हैं, ठीक है। उसके बाद जो ना फिर किस्मत में होंगे तो चावल खाएंगे हम, जैसे आपकी मर्जी। और भाभी तैयार हो के मेरे ख्याल में जा रही थी, हमारा वेट कर रही है, वेट कर रही है। सही है, अच्छी बात है, शीजा भी आई हुई है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह ताला का। कपड़ों की मुबारक दोनों को। सॉरी यार, 14 अगस्त यार, इतना दूर क्यों हो रहे हैं, भाभी के साथ आ जाओ इधर। कोई बात नहीं, खैर अगस्त की मुबारक हो भाई, खैर मुबारक, खैर मुबारक। और आप शीजा, आप दोनों को भी खैर मुबारक, दिल्ली आजादी मुबारक। वैसे आजाद आजाद तो है नहीं, बस
अभी आजाद नहीं है। अभी मैं पीछे हो रहा हूँ इसलिए कि आप दोनों को जो है ना एक कैमरे में इकट्ठे लेके आने की कोशिश। अच्छा अच्छा, ये भी इधर दूर हो गई है। नहीं मैं भाभी के साथ। नजर ना लगे, बहुत प्यारी जोड़ी लग रही है। माशाल्लाह, अल्लाह मुबारक, अल्लाह ताला नजरबाज से साहब को बचाए। और माशाल्लाह आप दोनों भी, तीनों बहुत प्यारे लग रहे हैं। हम दो हैं, आप तीन हैं। हाँ जी, तो चले जो है ना वहाँ फंक्शन सेलिब्रेट करना है, तो अंदर की जो है वीडियो वो आपने अभी बना लेनी है, क्योंकि बाद में अंदर लेडीज आ जाएंगी पर्दे वाली, तो अंदर कमरे की वो सारी आप बना लें। चले जी, फिर आप जाएं अंदर, हम जा रहे हैं रोटी खाने के। नहीं, पहले वो वीडियो बना लें। हाँ, वो क्लिप बना लें अभी, फिर चलते हैं। चले जी, चलते हैं अंदर का माहौल दिखाते हैं, फिर मिलते हैं। हाँ जी, तो आप चले। ये तेल खड़े हैं जी, इस तरह जो है रकबों के अंदर इनको खड़ा किया जाता है, फिर छंटका जाता है, फिर इनको बेचा जाता है, फिर जो है ना क्या किया जाता है, फिर वो पैसे खर्चे जाते हैं। पैसे आते हैं, पैसे खर्चे जाते हैं। जो इस तरह जो है ना, ये मिर्चें भी लगी हुई हैं जी, लाइटिंग वगैरह, रात को इधर बहुत प्यारा माहौल होगा, क्योंकि उनकी एक ही बेटी है और अल्लाह ताला ने और बच्चे नहीं दिए। अल्लाह ताला अता फरमाए, अल्लाह ताला बेटा अता फरमाए, बेटे से नवाजे। माशाल्लाह जी, मिर्चें वगैरह रात को बहुत प्यारी लगेंगी, क्योंकि अभी रोशनी है, जब अंधेरा होगा ना तो बहुत ही प्यारा माहौल लगेगा यहाँ पे। हाँ जी, सब बच्चे भी आए हैं इधर, वो देखें जी। ओ तूतियां, तूतियां बजेंगी, तूतियां। और इधर माहौल बना हुआ है, वो दीवार वगैरह जैसे देते हैं। हाँ जी, ये देखें जी, अंदर तो म्यूजिक चला हुआ है, बंद करवाए। हाँ चले चले। फाइनली जी हम अंदर पहुंच चुके हैं, और ये देखें जी, चार पहिया वगैरह भी इकट्ठी करके इधर सेटिंग से लगा दी हैं, और बच्चे सारे अपना शोर शराबा कर रहे हैं। अब अंदर चलते हैं, अंदर का माहौल आप सब बहन भाइयों को दिखाते हैं। और जिसकी सालगिरह है वो भी दिखाते हैं। हाँ जी, चलें जी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह व बरकातुहू। वो प्यारी बच्ची जिसका सालगिरह है, खुशी मनाई जा रही है। बहुत प्यारा प्यारा जो है ना इधर माहौल बना हुआ है। छोटा सा जो है ना मैंने गिफ्ट लिया है अरिबा के लिए, ये ले बेटा। अभी ना देना, जब सेलिब्रेट हो उस वक्त देना। नहीं अभी दे देते हैं, बाद में दे दूंगी। अच्छा अच्छा, हाँ माशाल्लाह, ये तो परी बनी हुई है। ये है अभी परी, ये हजानी हजानी माशाल्लाह, उम्र भी कर रही है। अच्छे नसीब, चार उम्र माशाल्लाह, चार उम्र किए थे माशाल्लाह। अल्लाह ताला अच्छे नसीब करे। और साथ में इसकी ये बैठी है कजन, कजन है ना। हाँ, दोनों ये मसाती मसाती है। एक ही घर में शादी हुई, बाहर बच्चों ने शोर मचाया, शोर भी बहुत ज्यादा शोर शराबा मचाया हुआ है। और ये देखें जी माशाल्लाह, बहुत ही प्यारा माहौल बना हुआ है। ये गुब्बारे ब्लूर वगैरह जो है ना इधर सेटिंग से लगाए हुए हैं, बहुत ही प्यारे प्यारे लग रहे हैं जी माशाल्लाह। माशाल्लाह, बहुत प्यारी लग रही है जी, परी परी। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। माशाल्लाह जी, बहुत प्यारी लग रही हैं सब आप। आप फिर बैठे इधर, हम चलते हैं खाना खाने के लिए। चले खाना खा लो। माशाल्लाह आप भी बहुत प्यारे लग रहे हैं। माशाल्लाह भाई आप भी बहुत प्यारे लग रहे हो। चलें, जज़ाकल्लाह खैर। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। लग जाते हैं जल्दी, वाकई माशाल्लाह भाई प्यारे हैं ना, इसलिए जल्दी निकला। अल्लाह पाक खैर करेगा। चले ठीक हो गया जी, फिर हम ना भी आई हुई है, हम ना हम तो चावल खाने है। आपने कितनी प्लेट है? त्रोए बस कोई 10-15 खावी है, एक प्लेट ही मुश्किल खाई जाएगी। चले ठीक है, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह ताला। हाँ, मगरिब का टाइम भी होने वाला है और गर्मी भी हो रही है इधर यार। मैं जा रहा हूँ जी अनीब भाई के पास, उनके घर, उनका मेहमान आया हुआ है। अनीब भाई वहीं पे रुक गया था, तो उसके बाद जो है ना फिर चलते हैं हम होटल पे खाना खाते हैं, क्योंकि घर पे बना नहीं है, मजबूरी है, होटल से खाना पड़ेगा। और ये देखें जी, मेरे पसीने भी निकल आए हैं, हालांकि मगरिब का टाइम होने वाला है, मगरिब की अजानें बस होने वाली हैं, लेकिन फिर भी इतनी गर्मी में शिद्दत है। अल्लाह ताला रहम फरमाए, मजबूरी है, बर्दाश्त ही करना है, और तो हमारे बस में कुछ नहीं है। ओए हाली तू सा तूते वजे दे वदे वे, अल्लाह दा
टाइम ठीक है। ये देखे जी माशाल्लाह लाइटिंग कितनी प्यारी लग रही है जी। और अभी तक खाने के लिए नहीं गए, अभी बुला भी इधर है। चावल शावल खा लिया आपने? माशाल्लाह। अभी हमने खाना खाना है। यार चुप चा करो, ये बस चा करो, ये सिर दर्द पाएगा सीरियस। पर ये तू तन सुन सुन के सारे सिर दर्द पाएगा। तो अभी जो है ना हम जाने लगे हैं नमाज अदा की मगरिब की, और फिर एक काम था वो किया, तो हमने सोचा यहाँ का चक्कर लगा लेते हैं, उसके बाद जो है ना फिर खाना खाने के लिए जाएंगे। हाँ जी, क्या मसला है? आप अपनी आंख साफ करो हबीबुल्ला। हाँ जी, आपको क्या मसला है? मुझे कोई मसला नहीं है, मैंने चावल लिए हैं बाजी कमल के लिए। अच्छा, और मामू जान भी घर पे हैं और कमल बाजी घर पे हैं, तो उनके लिए चावल लेके जाएं। मैं उसे कहती रही लेकिन वो नहीं है मेरे साथ। अच्छा। उसने कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैंने नहीं जाना। वैसे दवाई भी मैंने उसे दे दी थी और खाना भी थोड़ा बहुत बनाया था, तो ये चावल भी लेके जाएं, कमल बाजी को दे देना। ओके हो गया जी, हम अभी जा रहे हैं खाना खाने के लिए। आपने तो नहीं खिलाया ना अभी तक? हमने भी नहीं खाया खाना है जी। चले आप खाएं, हम जा रहे हैं फिर खाना। आपका अपना नसीब, अगर आप खा लेते तो बने हुए तो हैं इधर बिरयानी। लेकिन यार खाली मैदा चावल मेरे लिए बहुत बड़ा मसला बन जाता है। चले जैसे आपकी मर्जी, वहाँ पे होटल ना बंद हो जाए, अल्लाह खैर करेगा। होटल जश्न आजादी है ना, होटल ढूंढ लेंगे, वरना शहर चले जाएंगे अगर यहाँ पे बंद होंगे तो। हाँ ये बात है। जैने की हाल है तेरा? अभी बुला पीछे बैठ जाए। हाँ बैठ जाओ। ये ले भाई बेटा। हाँ तू कितना वैसे? अच्छा चलो ठीक है, ये ले मुझे दे दे। ये शापर जो है ना, ये हमारा है, ये वाला ये उधर देना है। चले ओके। हाँ उधर वो जो अम्मा जी आई है ना, ओके, उसने अपने खावन के लिए लिए। ठीक है ठीक, चले बाय। पहले जी हम पहुँच चुके हैं होटल पे, और ये जन्नू मोड़ के करीब ही है, दनियाल पंप है इस साइड पे, और ये होटल है जी। और यहाँ पे सब्जी तो हमें मिली नहीं, मैंने तो सब्जी खानी थी, इरादा था सब्जी का, लेकिन दाल मांस मिली है और चिकन वगैरह कढ़ाइयाँ वगैरह हैं। लेकिन कढ़ाई से मैं वैसे परहेज हूँ, चिकन से खासकर, तो दाल मांस का ऑर्डर दिया है, उसे फ्राई करवा रहे हैं, खाना खाते हैं और उसके बाद जो है ना फिर घर चलेंगे। पेट भरना है बस, दाल ही खा लेते हैं। और माशाल्लाह माहौल बहुत प्यारा है यहाँ का, ये देखें, ये मेन रोड पड़ा है सामने जी, और ये आगे जन्नू मोड़ है, वहाँ जो लाइटें नज़र आ रही हैं ना, ये जन्नू मोड़ चौक है, और ये पेट्रोल पंप है जी, दनियाल पेट्रोल पंप। खाना आ जाए फिर खाते हैं जी, आप सब बहन भाइयों को भी दिखाते हैं कि दाल कैसी है यहाँ की। फाइनली जी खाना आ चुका है, और ये है जी दाल माश, इसको शाही दाल भी बोलते हैं। तो भूख मुझे बहुत ज़्यादा लगी हुई थी, ये देखें जी लुकमा मैंने तोड़ के थोड़ा सा सालन भी लगाया, फिर बाद में ख्याल आया कि बहन भाइयों को तो मैंने नहीं दिखाया, तो माशाल्लाह खाना लग चुका है। हाँ, और हनीफ भाई ने भी एक लुकमा खा लिया है। मैं इसलिए खा गया तो मैंने फायदा उठाया, आप जो है ना उस टाइम वो निकाल रहे थे, ऑन कर रहे थे, मैंने जल्दी जल्दी मैंने कहा इतनी देर में मैं निकल जाऊंगा। चले ये कैसा है सालन, कैसा बना? वीआईपी बहुत मजे की दाल है, शाही दाल, और हम शौक से खा रहे हैं, वैसे मटन चिकन ये वो भी था। हाँ, लेकिन हकीकत है जो इसमें मजा है वो मटन वो गोश्त क्या है, गर्मियां है बिल्कुल, वैसे बंदा परेशान होता है, तो ये वीआईपी चीज है। वैसे हमारा इरादा अल्ताफ भाई का था सब्जी खाने का, सब्जी खाने का, तो वो मिली नहीं, इसलिए हमने तो हमारी किस्मत में जो है ना आज ये दाल थी, शाही दाल, दाल माश, तो खाना खाते हैं। जिस बहन भाई ने अगर आना है तो मोस्ट वेलकम आ सकते हैं। ये दनियाल पंप है जी, लोकेशन जन्नू मोड़ के करीब है, बिल्कुल पहुंच जाए, हम खिलाएंगे दिल से खाना, दिल से इंशाल्लाह ताला। और अनिल भाई के जो दामाद है ना वो वैसे वापस जा रहे हैं सऊदी अरब, तो इसलिए जो है ना उसने फंक्शन रखा है, एक ही बेटी है उनकी, तो अल्लाह ताला उनके अच्छे नसीब करे, और अल्लाह ताला उनको सलामत रखे, खाना खाते हैं तसल्ली के साथ, उसके बाद जो है ना फिर वापस घर चलेंगे इंशाल्लाह। फाइनली जी हम पहुंच चुके हैं फिर से जी फंक्शन वाले घर में। आपका लेट हो रहा था, आप इतनी लेट है। चलें जी हम आ गए, नो टेंशन। हाँ जी, हाँ जी गर्मी बहुत। चलें जी केक काटे, वो मोमबत्तियाँ जो है ना घुलती जा रही हैं, केक खराब हो जाएगा फिर। इधर आओ, बाबा को तो बुलाओ ना। वो कहाँ इसका बाबा? ये क्या हुआ? अरे बाबा को तो बुलाओ। राशिद आजो, हाजी साहब कहाँ पे हो? हाजी साहब केक खराब थी ना मैंने यार। ये बच्चे जो है ना बच्चों की खराब। ये हैं जी राशिद साहब, इनके पापा।
हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू गरीबा, हैप्पी बर्थडे, अल्लाह ताला लंबी जिंदगी अता फरमाए। एक बच्चे साइड पे हो जो चलो बाबा को तो खिला दो। अरे बाबा अपने हाथ से खिलाओ, अपने हाथ से खिलाओ। अरे बाबा को जल्दी करें, गर्मी है। खिला दो, खिला दो बाबा को, खिला दो। वेरी गुड, वेरी गुड। चलें जी, ये हो गया, केक कट गया। हाँ जी, केक कट गया। और सब बहन भाइयों ने दुआ करनी है, अल्लाह ताला इन्हें लंबी जिंदगी अता फरमाए। बढ़िया तो तंदुरुस्ती वाले जो है ना, एंजॉय करती रहे हमारी निवासी, लंबी जिंदगी वाली हो। हाँ जी, ये इनके नाना जी हैं जी। हाँ जी, नाना नाना, और ये इनकी नानी। और दामाद जो है ना, दामाद के लिए भी हम दुआ गो हैं कि वो कुछ दिन बाद बाहर जा रहा है, अल्लाह पाक इसे खैर खुशी से ले जाए और आमीन सुम्मा आमीन फरमाए और खैर खुशी से वापस अल्लाह आमीन। और अब ये कुछ गिफ्ट आए हुए हैं जी, और भी काफी सारे गिफ्ट पड़े हैं जो इंशाल्लाह ताला कल सब बहन भाइयों को दिखाएंगे जरूर इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह जी, फंक्शन हो चुका है और केक जो है ना अभी तकसीम होना है, तकसीम हो रहा है। तो गर्मी बहुत ज्यादा हो गया क्योंकि इस कमरे के अंदर इतना ज्यादा हीट है, अल्लाह माफ करे, पसीने जो है ना हमारे निकल रहे हैं। हाँ जी, तो इस वीडियो का हम यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं इंशाल्लाह ताला फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, फिलहाल के लिए अल्लाह हाफिज़ पाकिस्तान।